फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर टू इक्वेशन, जिसमें से हमारा 12.1 कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग को देखना है एक्सरसाइज 12.2। ठीक है, तो 12.1 हम लोग देख चुके हैं। अगर उसको नहीं देखे हो तो पहले उसको देख लेना, क्योंकि उसी से रिलेटेड ही ये वाला है। ठीक है, 12.1 में हम लोग एक्स का वैल्यू फाइंड करते थे और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड देखे थे। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर नहीं देखे हो तो आप लोग देख सकते हो। हम लोग को देखना है 12.2 वर्ड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, द सम ऑफ टू नंबर इज 42, इफ सेकेंड नंबर इज ट्वाइस द फर्स्ट वन, फाइंड द नंबर। बोल रहा है दो नंबर का सम 42 है, तो हम लोग मान लेंगे लेट द फर्स्ट नंबर इज एक्स एंड लेट द सेकेंड नंबर इज वाई। तो दो नंबर हम लोग को मिल गया, एक एक्स मिल गया और एक वाई मिल गया, दोनों का सम क्या है 42 है, यानी कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 42 हो जाएगा। ठीक है, इफ सेकेंड नंबर इज ट्वाइस द फर्स्ट वन, तो फर्स्ट नंबर अगर हम लोग एक्स लिए हैं तो सेकेंड नंबर वाई लिए हैं। ठीक है, तो सेकेंड नंबर ट्वाइस है फर्स्ट के, यानी कि सेकेंड नंबर वाई है तो ट्वाइस है फर्स्ट के, मतलब कि 2 इंटू एक्स हो जाएगा, फर्स्ट नंबर एक्स है और वो नंबर हम लोग को फाइंड करना है, मतलब हम लोग को एक्स और वाई फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, कोई सा भी दो नंबर ले लो एक्स और वाई जिसका सम क्या आना चाहिए 42 आना चाहिए, और सेकंड कंडीशन बोला था इफ सेकंड नंबर इज ट्वाइस द फर्स्ट वन, सेकंड नंबर ये वाई है वो ट्वाइस होना चाहिए फर्स्ट नंबर से, तो ट्वाइस मतलब दो गुना, तो 2 इंटू एक्स कर दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का सम 42 है, तो फर्स्ट नंबर एक्स है और सेकंड नंबर हम लोग क्या निकाले हैं यहाँ पास वाई इज इक्वल टू 2x, उसको रख दिए और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 प्लस 1 एक्स 3 हो जाएगा, क्योंकि x और x लाइक टर्म में है। अब 42 से इसको 3 को डिवाइड कर दिए तो 14 आ गया, तो y का वैल्यू कितना आया, देखो x का वैल्यू 14 आया, मतलब फर्स्ट नंबर हम लोग को 14 मिल गया और सेकंड नंबर क्या मिल जाएगा 2 इंटू एक्स का वैल्यू 14 रख देंगे, तो क्या आ जाएगा 28। देखो 28 और 14 को आप लोग सम भी करते हो, चेक करना चाहते हो अगर, तो 42 मिल जाएगा, यानी कि फर्स्ट नंबर 14 है और सेकंड नंबर 28 है जिसका सम 42 आएगा, तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नीरज हैज मैंगोज 3 टाइम्स एट मयंक। देखो नीरज के पास 3 टाइम्स ज्यादा है किससे, मयंक से। इफ मयंक इज गिवन 8 मैंगोज मोर देन नीरज। देखो पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, हम लोग को फाइंड क्या करना है यहाँ पास, मैंगोस नीरज 6 मैंगोस मोर देन रेशियो ऑफ मैंगो विथ मयंक नीरज विल बिकम 1:2, है ना। 1:2 में उन लोग क्या करते हैं, रेशियो बनाते हैं, बांटते हैं एक दूसरे को। देन हाउ मेनी मैंगोस ईच ऑफ देम, तो नीरज के पास कितना मैंगो है और मयंक के पास कितना मैंगो है ये फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बोला क्या है, नीरज हैज मैंगोस 3 टाइम्स दैट ऑफ मयंक, मयंक से नीरज के पास 3 टाइम्स ज्यादा है, यानी कि मयंक के पास कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे कि मयंक हैज एक्स मैंगो, मयंक के पास एक्स मैंगो होगा तभी तो नीरज के पास 3 टाइम्स मोर, मतलब 3 टाइम्स है, यानी कि 3 इंटू एक्स है। ठीक है, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई। अब क्वेश्चन में बोला है व्हेन 8 मैंगोस आर गिवन टू मयंक, अगर नीरज जो है वो 8 मैंगो किसको दे देता है, मयंक को, तो मयंक में हम लोग एक्स प्लस कर देंगे 8, क्योंकि वो दे रहा है तो मयंक के पास ज्यादा होगा, इसलिए एक्स प्लस 8 मैंगोस हो गया किसके पास, मयंक के पास। अब बोल रहा है कि जो मयंक है वो नीरज को देता है 6 मैंगो, तो नीरज कितना है 3x है, तो 3x प्लस 6 मैंगो किसके पास है, नीरज के पास है। अब क्वेश्चन में बोला था कि जो टोटल मैंगोस ऑफ मयंक है और टोटल मैंगोस ऑफ नीरज है, ठीक है, टोटल मैंगोस ऑफ मयंक x प्लस 8 बन गया और टोटल मैंगोस ऑफ नीरज 3x प्लस 6 बन गया, दोनों का रेशियो क्या है 1:2, तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ 1:2 को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 डिवाइड, रेशियो का मतलब बांटना, एक दूसरे में डिवाइड करना, इसलिए 1/2। ठीक है, 1:2 को ही हम लोग लिख सकते हैं 1/2। अब द टोटल मैंगोस ऑफ मयंक कितना है, x प्लस 8 है रख दिए, टोटल मैंगोस ऑफ नीरज कितना है 3x प्लस 6 है उसको भी रख दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग एक्सरसाइज 12.1 इसके प्रीवियस वीडियो में देख लिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर नहीं देखे हो तो देख लेना जरूर, पहले उसको देख लो फिर 12.2 देखना। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो देखो 2 से x प्लस 8 को मल्टीप्लाई किया, 1 से 3x प्लस 6 को किया, तो क्या आया 2x प्लस 8 2 जा 16, 3x 1 जा 3x, 6 1 जा 6। अब क्या किया, 2x प्लस 3x इधर लाएंगे तो माइनस 3x, 6 अपने प्लेस में है प्लस 16 किधर लाएंगे माइनस 16, 3x में से 2x माइनस होगा तो माइनस x आएगा, इसको भी माइनस करेंगे तो माइनस 10 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड माइनस माइनस से, इसीलिए है ना, तो x का वैल्यू कितना आया 10 आया। यानी कि हम लोग को ये तो पता चल गया कि जो मयंक के पास मैंगो है, मयंक के पास x मैंगो था, यानी कि मयंक के पास 10 मैंगो है, और नीरज के पास कितना मैंगो है 3 इंटू x का वैल्यू 10, यानी कि नीरज के पास 30 मैंगो है और मयंक के पास 10 मैंगो है, क्योंकि हम लोग यही बस x निकाल चुके, x किसका है मयंक का है, मयंक का है, मयंक का 10 और नीरज का 3x है, यानी कि 3 इंटू 10 30। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, आउट ऑफ टू इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या होता है, जिसका
तीनों साइड क्या होता है, इक्वल होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, द साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज 3 सेंटीमीटर मोर देन, जो फर्स्ट ट्रायंगल है ना, वो 3 सेंटीमीटर मोर है किससे, सेकेंड ट्रायंगल से। ठीक है, तो और बोल रहा है द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ बोथ ट्रायंगल, हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका जो पेरीमीटर है उसका रेशियो क्या है, 5:2 है। देन फाइंड आउट द साइड ऑफ ए ट्रायंगल, तो हम लोग को साइड फाइंड करना है। ठीक है, अब हम लोग को इतना तो पता है कि जो साइड होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो देखो हम लोग को क्या बोल रहा है यहाँ पास, आउट ऑफ टू इक्विलेटरल द साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज 3 सेंटीमीटर मोर देन सेकंड ट्रायंगल। तो हम लोग पहले लिख लेंगे सेकंड ट्रायंगल कुछ ना कुछ होगा तभी तो उससे फर्स्ट ट्रायंगल 3 मोर है ना, इसलिए सेकंड ट्रायंगल x है तभी तो फर्स्ट ट्रायंगल तो x+3 होगा, क्योंकि x+3 क्योंकि जो फर्स्ट ट्रायंगल है वो सेकंड वाले से 3 मोर है इसीलिए। ठीक है, अब पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर फाइंड करना है। देखो ये ट्रायंगल हो गया, इसमें कितना साइड है, 1, 2, 3, तो पेरीमीटर के लिए हम लोग बाउंड्री को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं या फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 × साइड मतलब 1, 2, 3 तीनों साइड का मल्टीप्लीकेशन। अब हम लोग को ये बता दिया है कि दोनों जो डिवाइड कर रहे हैं वो 5:2 में डिवाइड कर रहे हैं पेरीमीटर को, तो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल निकालेंगे, उसके बाद पेरीमीटर ऑफ सेकंड ट्रायंगल निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल क्या है, देखो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल में हम लोग को क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन का आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ बोथ ट्रायंगल इज 5:2। देखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हम लोग को यहाँ पर साइड ऑफ ट्रायंगल x+3 मिला है, फर्स्ट ट्रायंगल का साइड कितना मिला है x+3, सेकंड ट्रायंगल का साइड कितना मिला है x। अब हम लोग को पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर के फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे, 3 तो रहेगा ही ना पेरीमीटर में, बस साइड चेंज हो रहा है, फर्स्ट ट्रायंगल के लिए साइड क्या है x+3 और सेकंड ट्रायंगल के लिए साइड क्या है ओनली x, तो वही रख दिया है यहाँ पास। देखो फर्स्ट ट्रायंगल के लिए हमारा जो साइड है x+3 और 3 × क्यू किया पेरीमीटर निकाल रहे हैं, और सेकंड ट्रायंगल का साइड x है उसमें 3 × किया क्योंकि पेरीमीटर निकाल रहे हैं, और रेशियो दोनों का रेशियो कितना था 5:2, और 5:2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे पहले हम लोग क्या किया है ब्रैकेट सॉल्व किया, 3x 3×3 = 9 क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, देखो 2 से 3x + 9 को 5 से 3x को, तो 3×2 = 6, 9×2 = 8, 5×3 = 15। अब x को ट्रांसफर कर दिया, 18 इधर ले आए, माइनस किए तो -9x, इसका माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, x यही छोड़ दिया, 9 और x के बीच मल्टीप्लाई था तो इधर आके डिवाइड हो गया, तो 9×2 क्या हो गया 18, तो x का वैल्यू तो 2 आ गया, यानी कि साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल कितना आया, फर्स्ट ट्रायंगल हम लोग क्या लिए थे x+3, तो हम लोग x का वैल्यू 2 निकाले हैं, तो 2+3 कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, और सेकंड ट्रायंगल तो ओनली 2 है, यहीं पास दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पास निकल गया साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल x+3 था, यानी कि इसको रख दिया 2 को, तो 2+3 5 सेंटीमीटर, और सेकंड ट्रायंगल का जो साइड है वो कितना है 2 सेंटीमीटर। दो ट्रायंगल अलग अलग ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, ठीक है, एक ही ट्रायंगल का बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देख लो क्वेश्चन नंबर फोर में क्या दिया है, इन ए 2-डिजिट नंबर द टेंस प्लेस, 2 डिजिट का नंबर है, मतलब 2-डिजिट नंबर मतलब 1s वाला। ठीक है, 2-डिजिट नंबर द टेंस प्लेस डिजिट इज 3 times द डिजिट इन यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस मतलब 1s, और 10s तो आप लोग जानते ही हो, बोल रहा है कि जो टेंस प्लेस डिजिट है वो 3 times से किससे, यूनिट प्लेस से, यूनिट डिजिट से। ठीक है, टेंस डिजिट जो है वो 3 times से, 3 गुना है, 3 ज्यादा है ना, किससे, यूनिट से, यूनिट मतलब कि वंस प्लेस वाले नंबर से। इफ द डिजिट आर रिवर्स, अगर हम लोग उस डिजिट को क्या कर दे, रिवर्स कर दे, आगे पीछे कर दे, ठीक है, टेंस को वंस बना दे, वंस को टेंस बना दे, देन न्यू नंबर बिकम 36, यहाँ 36 लेस नहीं है, यहाँ पास मोर है। ठीक है, तो 36 मोर देन ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर, तो हम लोग को पहले ओरिजिनल नंबर बनाना पड़ेगा तभी तो हम लोग उस नंबर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, रिवर्स करने के बाद ओरिजिनल नंबर बनाना पड़ेगा, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है वो देख लेते हैं, इन ए 2-डिजिट नंबर, देखो यहाँ बोल रहा है पहले तो हम लोग 1s-डिजिट नंबर को x मान लिया, क्योंकि 1s यूनिट डिजिट, यानी कि 1s-डिजिट आप लोग यहाँ यूनिट डिजिट लिख सकते हो, यूनिट डिजिट को ही हम लोग 1s-डिजिट, जैसे भी मान लो 9, 8 लिख दी, तो ये 8 क्या है, 1s-डिजिट है, या फिर यूनिट डिजिट भी आप लोग इसको बोल सकते हो, और 9 कौन सा डिजिट है, 10s-डिजिट है। ठीक है, तो ऐसे ही टाइप का दो नंबर का बात कर रहा है जिसमें से 1s-डिजिट x है और 10s-डिजिट 1s-डिजिट से 3 times है, इसीलिए 1s-डिजिट x था तो 10s-डिजिट 3×x है, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को बोला है 3 times इसीलिए। ठीक है, अब जो डिजिट बना हम लोग का 2-डिजिट का जो नंबर बन रहा है वो क्या बन रहा है, 3x+x, यहाँ पास टेंस क्यों लगाए हैं, जो 3x है वो 10s-डिजिट का नंबर है, 3x जो है वो 10s-डिजिट का नंबर है, इसीलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से, समझ गए, हम लोग क्या बना रहे हैं, 2-डिजिट का नंबर बना रहे हैं, 3x कौन सा डिजिट है, 10s-डिजिट, इसीलिए 3, क्योंकि 10s को पहले लिखते हैं, 10s पहले है, 1s उसके जस्ट हम लोग का
राइट हैंड साइड में रहता है, इसलिए इस साइड वंस डिजिट को लिखे, इस साइड टेंस डिजिट को। तो टेंस डिजिट पहचानने के लिए हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया टेन से। अब क्वेश्चन में ही उसी के आगे बोला था इतना करने के बाद रिवर्स करना है। अब रिवर्स करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स को इधर ले आएंगे, थ्री एक्स को इधर ले आएंगे, और जो वंस डिजिट है उसको टेंस डिजिट बना दिए, जो टेंस डिजिट है उसको वंस डिजिट बना दिए। तो वैसे करने के लिए हम लोग एक्स में मल्टीप्लाई कर दिए टेंस से, मतलब इस टेंस को रिवर्स कर दिया, एक्स को इधर ले आए, देखो एक्स को इधर ले आए, थ्री एक्स को इधर ले आए, लेकिन टेंस को इधर ले आएंगे तो ये भी टेंस बन जाएगा, इसलिए टेंस को इधर ही रखना है हम लोग को, तो है ना, क्योंकि टेंस डिजिट नंबर तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रहेगा और ये वंस डिजिट नंबर बन गया। तो जो टेंस डिजिट था उसको हम लोग वंस डिजिट बना दिया, और जो वंस डिजिट था उसको टेंस डिजिट बना दिया, तो ऐसे हम लोग रिवर्स कर दिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला था हम लोग को, देखो रिवर्स करने के बाद न्यू नंबर बिकम 36 मोर देन ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर। हम लोग रिवर्स किए दोनों नंबर को, फर्स्ट नंबर हम लोग का अब क्या बना था 3x plus 10 plus x, और सेकंड नंबर रिवर्स करने के बाद x plus 10, दोनों को इक्वल कर दिए, और रिवर्स वाले नंबर में बोला था कि 36 मोर करना है, इसीलिए ये जो रिवर्स किए नंबर उसमें हम लोग ऐड कर दिए 36 को, क्योंकि यहाँ पास मोर बोला था, है ना। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 3 into 10 30x हो गया, x x 10 जा 3x 3x, x x को एक साइड करेंगे तो 30 plus 1 तो 31 हो गया, यहाँ पास 10x 13 3x 13x हो गया, यहाँ 36। अब 13x को फिर इधर ट्रांसफर कर देंगे 31x में, तो 18x यहाँ 36, x यही छोड़ दिया, 18 से 36 को डिवाइड किया तो 2 आया। तो सो टू डिजिट नंबर हम लोग को क्या मिला, टू डिजिट नंबर हम लोग को क्या मिला, जो ओरिजिनल नंबर है इसको मैं ओरिजिनल नंबर लिख देती हूँ, ठीक है, ओरिजिनल नंबर, ये टू डिजिट नंबर बोलेंगे, या फिर इसको आप लोग ब्रैकेट में लिख देना ओरिजिनल नंबर, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर में हम लोग जो भी x का वैल्यू निकालेंगे, मतलब इसमें हम लोग उसको रख देंगे। तो ओरिजिनल नंबर क्या है, 3x 10 प्लस x है, 3x 10 प्लस x, हम लोग x का वैल्यू 2 निकाले हैं, रख दिए हैं, तो 62 है वो, दो डिजिट का नंबर क्या है 62 है, 2 वंस डिजिट है और 6 टेंस डिजिट है, तो वही हम लोग निकाल रहे थे अभी तक, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर, दो डिजिट है ना, द सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 7, दो डिजिट है जिसका सम क्या है 7 है, ऑन रिवर्स, ये सेम क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे है, ठीक है, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट, अगर हम उस जैसे इसमें भी रिवर्स किए थे वैसे इसमें भी रिवर्स कर रहे हैं, देन न्यू नंबर ऑब्टेन इज 9 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। तो जैसे इसमें हम लोग ओरिजिनल नंबर बनाए थे फिर रिवर्स कर दिए थे, वैसे इसमें भी ओरिजिनल नंबर बनाएंगे फिर रिवर्स करेंगे, रिवर्स वाले नंबर में 9 मोर करेंगे, जैसे इसमें हम लोग 36 मोर किए थे, फिर फाइंड द नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट डिजिट को नंबर, फर्स्ट डिजिट एक्स, जो टेंस डिजिट है वो एक्स है, तो वंस डिजिट क्या बन जाएगा 7 माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पास क्या बोला है, देखो द सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर, मान लेते हैं हम लोग दो डिजिट है एक्स प्लस वाई, उसका सम 7 है ना। अब हम लोग मान लिए है कि इसी वाई को मैं आप लोगों को कंसिडर की हूँ एक्स में ही, ताकि हम लोग को कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। कोई सा भी दो डिजिट नंबर ले लिए हैं, फर्स्ट डिजिट, चलो इसको छोड़ो, फर्स्ट डिजिट प्लस सेकंड डिजिट इज इक्वल टू 7, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं दो डिजिट कौन कौन सा है, एक वंस डिजिट होता है और एक टेंस डिजिट होता है, दोनों का सम कितना है 7 है, ये बता चुका है, ठीक है। तो 7 है, हम लोग को टेंस डिजिट तो मिल गया है, टेंस डिजिट को हम लोग क्या कंसिडर कर लिए, एक्स कंसिडर कर लिए, तो वंस डिजिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 7 इधर ही है, टेंस को हम लोग एक्स कंसिडर किए थे, एक्स इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 7 माइनस एक्स होगा ना, वंस डिजिट 7 माइनस एक्स हो जाएगा, तो वैसे ही 7 माइनस एक्स आया, समझ गए। देखो हम लोग दो नंबर लिए, टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट इजिकल टू 7, यही बोला है, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग कंसिडर कर लिए कि टेंस डिजिट को हम लोग लेट कर लिए कि वो एक्स है, तो वंस डिजिट हम लोग निकालेंगे तो वंस डिजिट यही रह जाएगा, 7 भी अपने प्लेस में, इस टेंस डिजिट को ट्रांसफर करेंगे इधर तो 7 को हम लोग एक्स कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ एक्स, तो वैसे आया ये वाला, ठीक है। अब टू डिजिट का जो नंबर बना, या फिर इसको लिखेंगे ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर हम लोग का क्या बना टू डिजिट का, एक्स 10, क्योंकि टेंस डिजिट हम लोग क्या माने हैं, एक्स को माने हैं, इसलिए एक्स में 10 को मल्टीप्लाई किए, प्लस 7 माइनस एक्स, ये वंस डिजिट नंबर है और ये टेंस डिजिट नंबर है, ठीक है। अब इसी को रिवर्स करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, रिवर्स कर दिया, वंस डिजिट को टेंस डिजिट में ले आए, टेंस डिजिट को वंस डिजिट में ले आए, ठीक है, 10 अपने ही प्लेस में रहेगा, बस वंस और टेंस रिप्लेस होगा। अब क्वेश्चन में बोला था दोनों को इक्वल कर दो, और जो हमारा ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर उसमें प्लस 9 करना है, ठीक है, ओरिजिनल नंबर में, मतलब कि जो टू डिजिट का नंबर है ये वाला, उसमें कर दिए। अब ब्रैकेट ओपन किए सबका, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम लोग 10x माइनस 1x करेंगे तो क्या आएगा, 9x आएगा, 9 प्लस 7 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 16 आएगा, इधर भी सॉल्व किया तो x का वैल्यू कितना आया 3 आया, ठीक है। अब x का वैल्यू हम लोग को 3 मिला,
अब हम लोग को क्या निकालना था, ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर ये वाला है, यहाँ पास हम लोग रख देंगे यहाँ पास, ठीक है। ओरिजिनल नंबर क्या है, x 10 प्लस 7 माइनस एक्स। तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है, ओरिजिनल नंबर हमारा 3, सॉरी हम लोग x वैल्यू 3 निकाले थे, 3 रख देंगे प्लस 7 माइनस 3, तो 37 में से 4 ये हो जाएगा। तो 34 हमारा क्या आया, ओरिजिनल नंबर। ये वंस प्लेस का नंबर, और देखो 4 प्लस 3 7 भी आ रहा है, दोनों दो डिजिट का सम 7 आना चाहिए बोला था। तो हमारा वंस डिजिट 4 है और जो 3 है वो 10th डिजिट है, और दोनों का सम क्या आ रहा है, 7 भी आ रहा है। तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर इज 2 मोर देन इट्स न्यूमरेटर। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर 2 मोर है, 2 ज्यादा है, ठीक है। यानी कि न्यूमरेटर कुछ ना कुछ होगा, इसलिए हम लोग न्यूमरेटर को पहले ही कंसीडर कर लेंगे x, तब जाके डिनोमिनेटर को कर देंगे x प्लस 2, ठीक है। इफ द न्यूमरेटर इंक्रीज 4 टाइम्स, टाइम से मतलब मल्टीप्लाई, मोर रहता है तो प्लस, लेस रहता है तो माइनस, ठीक है, टाइम्स इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे। एंड 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में 8 एड करेंगे, देन न्यू नंबर, तो न्यू नंबर क्या बन जाएगा, 4/3 का रेशियो में बन जाएगा, ठीक है। फाइंड द ओरिजिनल नंबर, सबसे पहले बोला है क्वेश्चन में कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से मोर देन 2 है, तो इसलिए सबसे पहले न्यूमरेटर को कंसिडर किए x, तभी तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 2 मोर होगा, ठीक है। तो रेशनल नंबर हमारा क्या बन रहा है, x अपॉन x प्लस 2। रेशनल नंबर मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर x प्लस 2 है। अब हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो रेशनल नंबर बनता है उसमें न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है 4 से, 4 टाइम्स है, और डिनोमिनेटर में ऐड करना है 8 से। तो x प्लस 2 तो डिनोमिनेटर है, उसमें ऐड कर दिए 8, तो क्या बनेगा वो नंबर, 4/3 बनेगा न्यू नंबर। अब 4x मल्टीप्लाई करें, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन किए हैं, है ना, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, 3 से इसको मल्टीप्लाई किए हैं, 4 से इसको मल्टीप्लाई किए हैं, तो 8 प्लस 2 10 डायरेक्ट लिख दी हूं मैं यहाँ पास। अब x को एक तरफ ट्रांसफर करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ट्रांसफर किए तो x का वैल्यू कितना आया, 5 आया। तो रेशनल नंबर हमारा क्या बनेगा, यही रेशनल नंबर फाइंड करना है। अब इसमें वैल्यू रख दिए हैं, x का वैल्यू 5 आया, 5 आया, है ना, तो 5/7 क्या बनेगा, रेशनल नंबर। यानी कि वो नंबर क्या है, रेशनल नंबर 5/7 है, समझ गए, रेशनल नंबर क्या है, 5/7 है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द एजेस ऑफ अरुण एंड आकाश आर, अरुण और आकाश दो लड़के हैं जिनका जो एज है वो रेशियो में बताया है 7:5। आफ्टर 6 ईयर, 6 ईयर्स के बाद देयर एजेस वुड बी इन द रेशियो 5:4। 6 ईयर्स के बाद जो उन लोगों का रेशियो, एज का रेशियो बनता है वो 5:4 बनता है। तो उन लोगों का प्रेजेंट एज क्या है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं, लेट देयर प्रेजेंट एज बी एक्स। हम लोग मान लेते हैं कि जो प्रेजेंट एज है उन लोगों का वो एक्स है, ठीक है। मान लेते हैं कि अरुण का एज एक्स है और आकाश का निकालना है, दोनों का रेशियो में दिया है 7:5। तो कभी भी ऐसे में देगा तो डिवाइड वाला रहेगा, तो एज ऑफ अरुण, एज ऑफ आकाश निकाल लिए हैं और 7/5 क्योंकि रेशियो में है। अरुण का एज को हम लोग क्या मान लिए हैं, एक्स मान लिए हैं, और एज ऑफ आकाश तो हम लोग को पता नहीं है, हम लोग को एज ऑफ आकाश क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग एज ऑफ आकाश निकालेंगे, है ना, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एज ऑफ आकाश, देखो हम लोग अरुण का एज एक्स माने हैं, ठीक है, आकाश का एज हम लोग को पता नहीं है, अरुण का एज को हम लोग एक्स माने हैं, एज ऑफ आकाश यहीं से निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एज ऑफ आकाश भी निकल जाएगा हमारा। एज ऑफ आकाश क्या निकलेगा, 5x/7। एज ऑफ आकाश कितना निकलेगा हमारा, 5x/7। क्वेश्चन में क्या बोला था, आफ्टर 6 ईयर, तो एज ऑफ अरुण क्या बनेगा, 6 ईयर के बाद x प्लस 6, और आकाश का एज क्या बनेगा, 5x+6, वही चीज है। अब क्वेश्चन में बोला था दोनों का एज को हम लोग को इक्वल कर देना है, मतलब एज ऑफ आकाश कितना है हमारा, जो हमारा एज ऑफ आकाश है यहाँ पास 5/4 है, 5:4 है, तो हम लोग देखो 5/4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई होगा इसमें 4 का, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, इसको 4 मल्टीप्लाई करके सॉल्व किए हैं बस, है ना, तो x का वैल्यू कितना आया है, 14। तो प्रेजेंट एज ऑफ अरुण कितना आएगा, x, क्योंकि अरुण का एज हम लोग x माने थे और 14, और आकाश का एज हम लोग निकाले थे यहाँ पास 5x/6 यानी कि 10, यानी कि अरुण का जो एज है वो 14 है और आकाश का एज कितना है, 10 है। इसी का एक और मेथड है, मैं वो भी बता देती हूँ, अगर ये वाला आप लोगों को थोड़ा डाउट लग रहा होगा, मतलब कुछ कंफ्यूजन होगा, तो एक और मेथड है, मैं उससे भी आप लोग बना सकते हो, ठीक है, मैं बताती हूँ उसको भी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 का एक और मेथड है जो मैं भी आप लोग को बता चुकी, एक वो मेथड है और एक और मेथड है। देखो इसमें अरुण और आकाश का एज 7:5 बताया था, तो हम लोग मान लिए कि लेट अरुण एज 7x एंड आकाश एज 5x, अरुण का एज 7x मान लिया और आकाश का एज 5x मान लिया, ठीक है।
अब आफ्टर सिक्स ईयर बोला है, आफ्टर सिक्स ईयर तो आफ्टर मतलब बाद में, तो बाद में सबका एज बढ़ता है, इसीलिए प्लस सिक्स कर दिए हैं। अरुण के एज में भी प्लस सिक्स, आकाश के एज में भी प्लस सिक्स। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, देयर एजेस वुड बी इन द रेशियो 5:4। उन लोग का जो एज है वो क्या बन जाता है, 5:4 में हो जाता है। तो 5:4 मतलब 5/4, अरुण का एज डिवाइडेड बाई आकाश एज इज इक्वल टू 5:4। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं तो हमारा एक्स का वैल्यू कितना आया है, 2। ठीक है, एक्स का वैल्यू 2 निकल गया। अब हम लोग को निकालना है अरुण का एज, तो अरुण का एज तो 7x है, यानी कि 7 × 2 14 ईयर्स हो जाएगा। और आकाश का एज 5x है, यानी कि 5 × 2 एक्स का वैल्यू 2 लाए हैं तो 10 ईयर। तो देखिए इससे भी आंसर 14 और 10 आया, और एक मेथड और बताई उससे भी आंसर हमारा 14 और 10 ही आया। तो दोनों में से आप लोगों को जो सभी मेथड इजी लगे आप लोग उससे बना सकते हो। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। मनीषा मदर इज थ्राइस द एज ऑफ मनीषा, मनीषा की जो मदर है वो मनीषा से 3 times बड़ी है, 3 times है ना। आफ्टर 4 years मदर एज वुड बी 2.5 दैट मनीषा, जो मदर का एज है वो कितना हो जाता है, 2.5 हो जाता है, यानी कि 2 whole 1/2। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो उन लोग का प्रेजेंट एज फाइंड करना है मनीषा और मनीषा की मदर का। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ मनीषा, क्योंकि मनीषा का एज कुछ ना कुछ होगा तभी तो उसकी मदर उससे 3 times बड़ी है ना, 3 times क्या है, बड़ी है। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ मनीषा एक्स, तो प्रेजेंट एज ऑफ मनीषास मदर 3 times, यानी कि 3 × x। 4 years के बाद बोला है आफ्टर 4 years मनीषा का एज क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 4, और उसकी मदर का एज 3x+4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, जो मनीषा की मदर है वो मनीषा से 2.5 क्या है, 2.5 times है। ठीक है, वुड आफ्टर 4 years मदर एज, मदर का जो एज है वो 2.5 हो जाता है। ठीक है, तो 2.5 ऐसे लिखेंगे ना, 2.5 यानी कि 2 whole 1/2 किससे, उसकी मनीषा से, उसकी बेटी से, इसलिए इसमें मल्टीप्लाई किए हैं। पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में, तो रेशनल नंबर में, तो 2 × 2 = 4, 4+1 = 5/2। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5 तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई कर दिए, फिर एक्स एक्स को एक तरफ किए, लाइक टर्म को नंबर को एक तरफ किए और सॉल्व किया, तो एक्स का वैल्यू कितना आया, 12। मनीषा का एज हम लोग एक्स माने थे, यानी कि मनीषा का एज 12 years, मदर का एज 3x था, यानी कि 3 × 12, यानी कि मदर का एज 36 years, यानी कि मनीषा का जो प्रेजेंट एज है वो 12 years है और मनीषा की मदर का प्रेजेंट एज 36 years है। तो हमारा एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 12.1 और 12.2 कंप्लीट हो गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, अगर आप लोग नहीं देख पाए हो तो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब इसका एग्जांपल जो है ये आप लोगों को छोड़ना नहीं है, पूरा एग्जांपल बनाना है। ठीक है, एक भी एग्जांपल छोड़ना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, तो इसमें टोटल एग्जांपल 9 है, पूरा बना लेना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर 13 एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। ठीक है।